तो दोस्तों फ्रांस, जैसा कि उसने अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी है कि वो भारत के लिए दूसरा रशिया बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। छोटे मोटे फ्रैक्शन जरूर हो सकते हैं, लेकिन इन्हें हम लोग माइनर फ्रैक्शन ही कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण परमाणु टेस्ट करवाया था, उस समय रशिया भी हमसे नाराज हो गया था। वो इसलिए नाराज नहीं हुआ कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया, बल्कि वो इसलिए नाराज हुआ था कि आपने हमें कॉन्फिडेंस में लिए बिना फिर न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया। क्योंकि जब आपको बचाने की बारी आएगी, जब इंटरनेशनली प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप होगा, उसके बाद बचाने के लिए तो हमें ही आना पड़ेगा। इस वजह से पहले आपने टेस्ट से पहले आपने हमें कॉन्फिडेंस में लेना था। तो कहने का मतलब थोड़े बहुत फ्रैक्शन अच्छे अच्छे दोस्तों के बीच में भी आ जाते हैं। पुरानी गवर्नमेंट के समय इसराइल के साथ भी हमारे कुछ फ्रैक्शन बढ़ गए थे, लेकिन अब वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत आपको भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सामने वाला झुकेगा, उसके बाद आप दोनों देशों की केमिस्ट्री बढ़िया पटरी पर रहेगी। ऐसी ही परिस्थिति से इस समय गुजर रहे हैं भारत और फ्रांस। आपको पता है कि रिसेंटली फ्रांस की तरफ से EIP टेक्निक देने के लिए भारत को इनकार कर दिया गया है। खैर, इसके लिए उनके अपने कारण है, हो सकता है जो कुछ भी हो वो अपनी जाने। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए फ्रांस ने भारत को आगे से ऑफर किया है। दरअसल इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ्रांस यात्रा रही, बहुत सीमित समय के लिए थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बहुत मायने हैं। इस तरह के कुछ समझौते हुए हैं जिसके तहत आने वाले समय में सिक्योरिटी, ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी के क्षेत्र में एक नए आयाम पर भारत और फ्रांस की दोस्ती जाने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस बार यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी होगी वो फ्रांस के पास होगी, इसका भी भारत अच्छे से फायदा उठा सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रेड रिलेशनशिप में जो हम लोग यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। खैर, ये सारी चीजें तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि फ्रांस की एक स्टेट ऑन कंपनी ने भारत को ऑफर किया है अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रांस ने यहाँ पर भारत को वीटो पावर UNSC में परमानेंट सदस्यता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। उसने कहा है कि भारत को ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रांस की तरफ से ये वादा भी भारत को किया गया है कि वो NSG में भारत की सदस्यता को निर्धारित करने के लिए कोशिश करेगा। मैं आपको बता दूं कि जो NSG है, ये एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जिसमें कुल 48 सदस्य हैं, जिसमें चाइना भी एक सदस्य है। और यही समस्या है कि भारत को चाइना इंटर नहीं करने देता। अगर भारत इसके अंदर इंटर कर जाएगा और भारत को NSG की सदस्यता मिल जाती है, उसके बाद भारत किसी भी तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, फिर वो एनर्जी के सेक्टर में हो या फिर वेपन के सेक्टर में हो, किसी भी दूसरे देश से आदान प्रदान कर सकता है। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रांस ने यहाँ पर भारत से वादा किया है कि वो जितने भी NSG के सदस्य हैं, उन सभी को मनाने की कोशिश भारत के लिए करेगा और इस बात को निर्धारित करेगा कि भारत को NSG की सदस्यता मिल जाए। इसी के साथ साथ फ्रांस की एक स्टेट ऑन कंपनी है जिसका नाम है EDF। ये न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काम करती है और इसने आश्वासन जताया है कि भारत को हमने ऑफर दिया है EPR के लिए। अब ये EPR क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर्स, यानी ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसके लिए इसने भारत को ऑफर किया है। अभी यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये EPR एक्चुअली क्या है, क्या मायने है, उसका फुल फॉर्म तो आपने बता दिया लेकिन इसके मायने क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में। बताया जाता है कि ये थर्ड जनरेशन की यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। जो फ्रांसीसी कंपनी है उसने वादा किया है कि भारत को 9.6 गीगावाट की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी स्थापित करके देगा, जिससे कि भारत के 70 मिलियन घरों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। 70 मिलियन यानी 70 लाख घरों में ये बिजली की समस्या को दूर कर देगा। और इस न्यूक्लियर एनर्जी के चलते 80 मिलियन टन की कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती होगी हर साल। अभी ये जो नया EPR सिस्टम है, ये दरअसल यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इससे होता यह है कि ये बेहद ही सुरक्षित है, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस काफी कम होते हैं। जो भारत में पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ये दुनिया के बाकी हिस्सों में हैं, उनसे ये कई ज्यादा एडवांस है, जिस वजह से भयानक एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते जो कि यूक्रेन में किसी जमाने में हुए थे। इसी के साथ साथ इसमें लागत भी बहुत कम आती है, यानी सेटअप करने के लिए तो ऑब्वियसली लागत ज्यादा आएगी, लेकिन बिजली जनरेट करने के लिए लागत इसमें काफी कम आती है दूसरों की तुलना में। और ये एक बार आप जब सेट कर देंगे तो ये पूरे 60 इयर्स तक चलता रहेगा, 60 सालों तक ये आपको लगातार सेवाएं देता रहेगा, ये इसकी खासियत है। तो खैर, यहाँ पर भारत के ऊपर अब निर्धारित है कि क्या भारत फ्रांस की इस कंपनी का ऑफर स्वीकार करता है या फिर नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर स्वीकार कर लेगा तो भारत को बहुत फायदा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोयले और बाकी की जो एनर्जी सेक्टर की चीजें हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई है। न्यूक्लियर एनर्जी इस समय भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।